तो 26 अगस्त 2023 को जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ है उसका सामान्य अध्ययन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आप मिलाइएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया मैथ का है। इसका करेक्ट आंसर है 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको सिर्फ आंसर मिलाना है और इसका आंसर है 3 नंबर का आंसर हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का आंसर है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1,500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर है 2, ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 9 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 9 का फोटो डायोड और फोटो वोल्टिक सेल, ये दोनों है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। इसका करेक्ट आंसर है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो इसमें से कोई नहीं है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि लीची का खाद्य भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। इसका करेक्ट आंसर है विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है जीन मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। देखिए होता क्या है कि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका, तो वो होता है द्विगुणित। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु क्या होता है, तो बीजाणु होता है ओगुणित, लेकिन बीजाणु मातृ लग जाता है तो वो कोशिका होता है द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन की सुरक्षा के लिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। तो सबसे पहले पानी के अंदर जो मेट्रो चला था वो कोलकाता में, तो ऑप्शन में है नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ था, तो वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। इसका करेक्ट आंसर है निर्जला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। इसका करेक्ट आंसर है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। सेम क्वेश्चन बिहार SSC CGL में पूछा गया था, ये गीतांजलि जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है दरभंगा में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है, तो GI टैग मिला है मगही पान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें क्या मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर है 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1 का 2, B का 3 और C का 4 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं निकलती है। तो उत्तर दिशा से ये तीनों निकलती है, क्वेश्चन में पूछा गया कौन नहीं निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
कि लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य गंगा का हिस्सा, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले आता है 4 यानी विशाखापट्टनम, फिर काकीनाड़ा उत्तर से दक्षिण है ना, उसके बाद मछलीपट्टनम और सबसे दक्षिण में है नागपट्टिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएल सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? इसका करेक्ट आंसर है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, ये सेट में कई बार बताए थे, जो कि इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है सिख धर्म को परिष्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये कहे थे बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार एवं बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए एवं वहां के कृषकों को निंदनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है कि विद्यापीठ जो पटना में है, बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास गांधी जी ने किया था। तो इस तरह से आपका सामान्य अध्ययन का 40 क्वेश्चन होता है समाप्त। आप कितना आंसर आपका सही हो रहा है आप कॉमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों।